दोस्तों ये Redmi A2 मोबाइल है, ये देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए इसमें स्क्रीन लॉक लगा रहे हैं तो इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये देखिए इसमें कहीं भी जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है ये देखिए, इसका जो फिंगरप्रिंट का जो जैक है, कनेक्टर है, ये देखिए ये यहाँ से टूट गया है। ये देखिए, तो दोस्तों इस जैक को जो है हम दूसरे मदरबोर्ड में से निकाल के लगाएंगे। ये रहा मेरे पास दूसरा मदरबोर्ड, इसमें से इस जैक को निकाल के हम लगाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको माइक्रोस्कोप पर ले चलता हूँ। दोस्तों ये है फिंगरप्रिंट का कनेक्टर, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों कनेक्टर इंस्टॉल हो गया। अब हम मोबाइल को पैक करके फिर फिंगरप्रिंट लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये रहा वो पीसीबी जिसमें हमने कनेक्टर इंस्टॉल किया है। अब हम चेक कराते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों इसमें देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया। पहले यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये देखिए अब मैं इसमें फिंगरप्रिंट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फिंगर जो है स्कैन हो रहा है। ये देखिए अब देखिए मैं फिंगर लगाऊंगा, ये देखिए अनलॉक हो गया। तो दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट का जो कनेक्टर है वो टूट गया था, इसी वजह से जो है फिंगर का ऑप्शन नहीं आ रहा था।